तो ये है दर्शनी द्योड़ी, यहाँ से हम आगे जाएंगे दर्शन करने गुरुद्वारा साहब में। काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी साफ सुथरा, काफ़ी सुंदर। तो ये हमारे सामने है कासिफ भाई, जो कि पंजाब टूरिस्ट पुलिस हैं, और ये हमें बताने वाले हैं इस गुरुद्वारे साहब के बारे में। अच्छा, पंजाबी समझ रहे हैं? हाँ जी, पंजाबी आती है भाजी। अच्छा, सब तो पहले जी सारे मेहमानों नू पाकिस्तान आन से करतारपुर आन से वेलकम जी एन सत श्री अकाल। सब तो पहले जी तुम जो अंदर दाखिल होवोगे सब सज्जे हाथ चौड़ा घर है, उत्थे तुम अपने शूज जमा कराओगे, उसके नाल ही लाकर रूम है। उत्थे तुम अब जरा ना अगर कोई तुहाडे कोल इजाफी समान है रख सकते हो, अगर नाल भी लैके जाना चाहो तो नाल भी लैके जा सकते। ठीक है, तुहाडे सामने बिल्कुल जरा ना टेबल है, उत्थे तुम अपना समान अगर कोई रसल लियांदी है उत्थे जमा करा सकते हो। इस तों बाद तुम जो अगे जाओगे सब तो पहले सरोवर साहब आएंगे कोरीडोर च, उत्थे उस तो बाद जिहड़े मेन दरबार की समाधि साहब ने दरम्यान दे विच उहदे नाल ही खूह साहब ने, उत्थे खूह साहब दे दर्शन करोगे। उस तो तुम आप समाधि के जरा ना सज्जे हाथ वेखोगे तो कृपान साहब के दर्शन करोगे। दरबार साहब के तुम अगर जाके खब्बे साइड वेखोगे तो एक द्यूड़ी नज़र आएगी, वो लिखा है धार्मिक विचार गुरुद्वारा साहब पहुँच के साढ़े मेहमान राइट साइड से देखेंगे तो कृपान साहब निशान साहब के दर्शन होंगे, लैफ्ट साइड से देखोगे तो एक ड्योड़ी नज़र आएगी उत्ते लिखा होगा करतारपुर करता वसे। उस ड्योड़ी की बैक साइड से लंगर हाल है, लंगर हाल की बैक साइड से मार्केट है। आप जी अंदर वाली साइड तो मार्केट जा सकते हो, लंगर हाल के नाल ही लंगर हाल के बाहर एक्सट्रा जोड़े रखे हुए हैं, वो पा के अंदर वाली साइड तो जा सकते हो मार्केट। अपने जोड़े पा के मार्केट जाना चाहो तो दर्शन करने तो बाद इस जगह आ जाओगे। लैफ्ट साइड से सैकंड साइन बोर्ड ग्रीन कलर का इतों नज़र आ रहा है आप जी, वो मार्केट के है। इस ट्रैक तो भी मार्केट जा सकते हो अपने जोड़े पा के, खेती साहब निशान साहब जोड़े पा के दर्शन करना चाहो राइट साइड से जाके कर सकते हो। अंदर वाली साइड तो सारिया थावान से जोड़िया तो बगैर जा सकते हो। इस तो अलावा किसी भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो पंजाब टूरिस्ट पुलिस साहब की सेवा लिए इतने हाजिर है। असं आस करांगे आप जी का जिन्ना भी समा इतने गुजरे नहायत अनमुला और यादगार गुजरे पाकिस्तान और करतारपुर आने का, बहुत शुक्रिया जी आया नू, वेलकम। सानू वैसे भी कैसिफ भाई बहुत अच्छा लग रहा है इतने पाकिस्तान आके, और तुहाडे सारयां दे जो विचार जो स्वागत गर्म जोशी नाल तुसीं कीता है वो सानू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ऐन लग रहा है कि असी अपने बिछड़े हुए भरावां नाल मिलन आ गए हैं इत्थे। ये सब गुरु साहब की मेहर है कि जिन्हां दे कारण असी इत्थे आ पाए हैं, और बहुत अच्छा लगता है, दिल तो खुशी होंदी है, दिल तो अभी वार्म वेलकम करने अपने वीरां दा भैणां दा। मोस्ट वेलकम सर, तुसीं दर्शन करो, होर किसी भी इनफॉर्मेशन की जरूरत हो असी आपकी सेवा लई इत्थे हाजिर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली हम हैं दुनिया के सबसे बड़े गुरुद्वारे में, सामने देखिए पीछे दीवान स्थान है, गुरुद्वारा साहब है, ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। इधर गुरुद्वारा साहब है और सामने सरोवर साहब है, बहुत ही साफ सुथरा ये गुरुद्वारा है। बाहर देखिए कितना सुंदर मेंटेन किया हुआ है फूल, सभी लोग फोटो सेशन में मस्त। ये है सरोवर साहब जो महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बना हुआ है। पैर बहुत जल रहे हैं, गीला बहुत गर्मी है गाइस, गर्मी बहुत ज्यादा है। सामने दरबार साहब है गुरुद्वारा साहब, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण धरण कहे सुहाओ, आठ पहर सब देखो तेरा, विषय अज्ञान मन से अंधेरा, सुन उपदेश निकै बसावो, मन इसै नानक कल पावो, हलत पलत बैलहु सवार, राम नाम तरण सार, पूरे हुआ पारी, सर्वव्यापी राम संग रचना।
जिन जाता किसकी हैरत संत बचन साधु सब कहन जो जो होए सो सब मान करण करावन हर पद जन है अंतर बसे वही साध साध किया सब संत जिसका ते सब लियत पात इसका विधान से आल इसका विधान एक अंकार अड़क कला लखी न जाए इसका विधान से ले मिलाए कावन ने काट कावन कहीं है दूर आपे आप भरपूर अंतर गत जैसे आप जलाए नानक तिस कद आप भूल जाए सर्व भूखण हारा सर्व समग्री जाका तड़ा अपन जस आप ही सुना आवण जान एक खेल भए इसते होए सो नाही भरा उरे कहो कने कष करा आप भला कर तू तत नीकी आपे जाते अपने चीकी आप साच तारी सब साच दूसर होए ता सोची पाए इसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक जन जान जो जान तस सदा सुख होए बात गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु पृथ्वी सर्वत खालसा जी की अरदास है जी सर्वत खालसा जी का वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु नाम चित आवे चित आपन का सदका सर्व सुख होवे जहा जा गुरु खालसा जी साहिब तहा तहन छरिया देख देख पतै बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बल बल जी वाहे गुरु सिखण सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान परोसा दान दाना चौदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चौकिया चंडे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी साहिब बल जी वाहे गुरु आप जी दे पावन पितर स्थान सचखंड श्री दरबार साहिब करतारपुर साहिब विखे धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दी पावन पितर हजूरी विच सुंदर दीवान सजीसन जी सजे हुए दीवान अंदर आप जी दी बख्शवलाई अमृत परिवाणी सुखमणि सुख अमृत प्रणाम भगत जना के मन विश्राम श्री सुखमणि साहिब जी पाठ भयण जी अखर वादा घाटा ला मंत्र वच मुआफ करना जी अगौ वास्ते सुमत बख्शना शुद्ध ते स्पष्ट बाणी पढ़न दी समर्था बख्शिश करना जी पड़ी सुनी बाणी संगतां दासां दे हिरदे विच वसाणा ऐसे दीन दयाल पिता धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज आप जी दे कोटा कोट शुकराने हन जी जो आप जी ने भारत निवासी संतां उत्ते करतारपुर साहब लांघे की दात बख्शिश की है इसे ही लांघे तो गुजर के आप दियां भारत निवासी संगतां वक् वक् अस्थानां तो आप जी दे दर ते खुले दर्शन दीदारियां वास्ते पहुंच रही हैं जी संगतां दियां हाजरियां अंदर विखे प्रवान करना कदम दरगाहे लेके लावणे जी यात्रावां सफल करना बेअंत संगतां दास बच्चे आप दे दर ते बेअंत अरदासां जोड़ियां करवा रहे हैं जी गुरु महाराज जी की जो उनके कपड़े और फ्लावर थे उनको यहाँ पर जो है दबाया गया था ये मजार साहिब है गुरु नानक देव जी की ऐसा कहा गया है कि जब गुरु जी की देह रखी गई थी उसके ऊपर फूल रखे गए थे और चद्दर रखी गई थी तो जैसे ही चद्दर उठाई गई तो उसके नीचे सिर्फ फूल निकले देह थी ही नहीं तो वो फूलों को और चद्दर को यहीं पर दफनाया गया था तो इसको मजार साहब के नाम से जाना जाता है गर्म बहुत है यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है चारों तरफ संगमरमर जो कि बहुत गर्म हुआ हुआ है ये खूह साहिब है ये वो कुआ है जहाँ से गुरु नानक देव जी अपने खेतों को सींचा करते थे देखिए बहुत से नीचे कुआ है अभी भी यहाँ से पानी इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से देशों की करेंसी यहाँ पड़ी है इंडियन रुपीस पाकिस्तान रुपीस काफ़ी सारी करेंसीज यहाँ दिख रही हैं
तो ये वो खूह साहिब है जहाँ से गुरु नानक देव जी खेती करते थे, पानी दिया करते थे, और अभी भी इस कुएं को इस्तेमाल किया जाता है पानी निकालने के लिए। ये लिखा हुआ है यहाँ कि ये गोला है जो लड़ाई के दौरान आर्मी ने यहाँ पे घेरा था, एयरफोर्स ने यहाँ घेरा था, लेकिन यहाँ पर ये गोला जो है अल्लाह के कर्म से या फिर वाहेगुरु की कृपा से ये गोला चला ही नहीं है और बचाव हो गया था यहाँ का। ये सामने जो है अब हम जा रहे हैं लंगर हॉल, लंगर शक में, तो यहाँ पर लंगर हॉल है और गुरु नानक देव जी ने शिक्षा दी थी कि वंड छको कि जितना ज़्यादा हो सके बांट के खाओ, नाम जपो, यानी कि ईश्वर का, अल्लाह का, वाहेगुरु का नाम जपिए और कीरत कमाई करिए, मीन्स की मेहनत की कमाई करिए। तो गुरु नानक देव जी की ये शिक्षाएं हमें अपने जीवन में जरूर और जरूर धारण करनी चाहिए। गुरु नानक देव जी पूरे समाज के लिए सर्वत का भला कहते थे, सर्वत का भला सोचते थे। फाइनली वी एंटर लंगर भवन, लंगर है लंगर भवन, और यहाँ पर हम लंगर छकने वाले हैं। प्लेटें लेनी है हमें यहाँ से पहले, ये लंगर भवन है, यहाँ पर हमें लंगर प्रसादा दिया जाएगा। लंगर आ चुका है जिसमें मीठे चावल, सब्जी, नमकीन और नमकीन चावल और रोटी है। सभी लोग शाला ग्रहण करते हुए ये नमकीन शिक्षा है गुरु नानक देव जी जैसे नाम जपो, कीप गॉड इन माइंड एट ऑल टाइम, कीरत करो, अर्न एंड अर्न एंड वन शेयर वंस अर्निंग विद अदर्स। बर्तन की सेवा चल रही है यहाँ पर, बर्तन साफ किया जा रहा है, सेवा की जा रही है। सामने गुरु की किचन है जहाँ पर खाना बनाया जाता है। देखिए चाय बन रही है और ये बड़े बड़े जो डेग हैं सब्जी का, चावल का, दाल का, यहाँ सब कुछ इस किचन में बनाया जाता है। से वो कटिंग हो रही है शायद चावल वगैरह का, उसकी प्याज वगैरह की, तो इस किचन में खाना बनाया जाता है। देखिए चाहे का चावल का कड़ा और बाहर यहाँ लंगर बनाने के बाद यहाँ पर ये लंगर बरताया जा रहा है। ये हम आगे हैं करतारपुर मार्केट में और यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल फ्लावर, सुल्तानी कुसा महल, यहाँ पर कुछ शॉप्स हैं, पाकिस्तानी ड्राई फ्रूट्स, और आगे क्लॉथ हाउस भी है गोलगप्पे, कपड़ों की दुकान है, कॉफी एंड टी स्टॉल, कपड़े की दुकान, लाल जालीदार दुपट्टा बड़ा सूट है, कलर मिलेंगे। छोटी सी मार्केट है, गर्मी बहुत है इस टाइम पे, धूप बहुत ज़्यादा है, लू चल रही है यहाँ पर भी, और कपड़े और यही कुछ सामान है। बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, छोटी सी मार्केट। बहुत ही अच्छी फीलिंग आई है और करतारपुर आके बहुत अच्छा लगा। अब हम वापस जा रहे हैं बट फिर भी कहीं ना कहीं है कि और पाकिस्तान के अंदर भी जाते, लाहौर जाते या और रावलपिंडी जाते, पेशावर जाते, बड़ा अच्छा लगा है। कोशिश करेंगे आगे अंदर भी जाने की। अंकल जी आप कैसे, आप भी घूम के आए, कैसा लगा, क्या महसूस किया आपने? हमें तो ऐसे लगा जैसे पंजाब में उधर ही घूम, इंडिया में घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे से ज़्यादा उनका जो हमारे से ज़्यादा उनका है प्यार जो है, बहुत अच्छा व्यवहार, देखो कितना अच्छा व्यवहार था,
बहुत प्यार से मिले, बड़ा अच्छा से उन्होंने हमें हर जगह हर एक बंदे ने बहुत अच्छे से डील किया। चाहते हैं बीच में लाइन खत्म ही हो जाए हम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के तो जो मन में थोड़ी बहुत शंकाएं थी वो भी दूर हो गई कि लाइन होनी नहीं चाहिए। आप कहाँ से अंकल? मैं मुकेरिया होशियारपुर से। देखो मुकेरिया होशियारपुर से आए और बहुत अच्छा लगा। आप पहली बार आए थे या पहले? नहीं, मैं पहली बार। हम भी पहली बार ही आए थे और हम कुरुक्षेत्र हरियाणा से और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आप सबसे भी जो मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि करतारपुर जरूर आना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने जो सिखाया है उनके रास्ते पे चलना चाहिए हर बंदे को, तभी ये जो समाज है तरक्की करेगा। और बस यही कहूँगा कि मज़ा आ गया यहाँ आकर। तो बाय बाय करतारपुर साहिब। ये था पाकिस्तानी जो चेक पॉइंट इमिग्रेशन पॉइंट था, जो यहाँ से हमें अंदर लेके जाया गया था। सामने करेंसी वगैरह एक्सचेंज होती थी। अब हम जा रहे हैं जीरो लाइन पे, जहाँ पर ये जो गाड़ी है हमें उतार देगी और वहाँ से फिर हिंदुस्तान की गाड़ी हमें लेने आएगी। पीछे वो गुरुद्वारा साहब है और साथ साथ देखिए पाकिस्तानी पोस्ट और